हेलो एवरीवन सोशल साइंस का मैप पर काफी ज्यादा जरूरी है सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस के हाफ ईयरली के लिए मैप वर्क का रिवीजन इससे बाहर एक भी मैप का क्वेश्चन नहीं आएगा सो ये वीडियो काफी ज्यादा जरूरी है और इससे पहले हमने सोशल साइंस के हाफ ईयरली का वन शॉर्ट रिविजन कर लिया है अगर आप भी चाहते हो कि आप भी वन शॉर्ट रिविजन कर लो कम टाइम में पूरा सिलेबस पढ़ लो सो आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में

आपको उसकी प्लेस पता होनी चाहिए तो अब ये कौन सा स्टेट है ये है वेस्ट बंगाल फिर उसके बाद में जो एक्सेप्ट कहां पर हुआ था वो हुआ था नागपुर के अंदर सेप्टेंबर 1920 में जो कहां पर है वो है महाराष्ट्र में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नाम लिखना होगा फिर लास्ट के अंदर आता है, वो आता है है वो मद्रास का 1927 में था, वो कहां पर है वो है तमिलनाडु में ठीक है इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहां पर कि इंडियन नेशनल मूवमेंट

इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को यहां पे बंद कर दिया था क्योंकि यहां पर एक इंसिडेंट हो गया था था जिसमें कि क्या किया इंडियंस ने जो भी सरकारी, जो भी भी सरकारी थी मतलब कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसे कि हो गया उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था जिस वजह से यहां पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वायलेंस की वजह से बंद हुआ फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वो आता है यहां पर चंपारण ठीक है इसके नीचे वाला कौन सा स्टेट है यह है ये जो स्टेट है पूरा मैं एक बार कलर करके आपको दिखा देता हूं ये वाला जो स्टेट है यह है बिहार अब यहां पर क्या होता है चंपारण बिहार के अंदर क्या होता है जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है देन फिर इसके बाद में हम लोग नीचे आते हैं तो यहां पर ये गुजरात है गुजरात में तीन मूवमेंट हुए थे ये आपको पता होना चाहिए जिसमें सबसे पहला जो है वो हुआ था खेड़ा जो कि गुजरात के अंदर पीजेंट मूवमेंट हुआ था जहां पर कि पीजेंट्स लोगों ने सत्याग्रह किया था कि भाई हमें वेजेस सही ढंग से नहीं मिल रही हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे वर्किंग कंडीशन है वो नहीं है इसलिए उन्होंने किया था फिर इसी तरीके से अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ था कि गुजरात के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनका सत्याग्रह हुआ था सत्याग्रह दो बार हुआ था एक हुआ खेड़ा के अंदर फिर एक हुआ था यहाँ पर अहमदाबाद में फिर इसके बाद में एक और जो हुआ था वहा था डांडी डांडी जो कि गुजरात

तो राजस्थान से क्या दिमाग में आते है? भाई वो आते रेगिस्तान बहुत ज्यादा रेगिस्तान होगा राजस्थान के लोगों के पास में पीने का भी पानी नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा है वहां पर भी लोगों के पास में पीने का पानी है जो भी आप लोग इमेजिन करते हो ऐसा नहीं है जैसे कि कोटा है कोटा के अंदर कोटा भी राजस्थान में आता है लेकिन कोटा एक डेवलप्ड सिटी जयपुर भी एक डेवलप्ड सिटी जहां पर लोगों के पास में पानी है फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेड ये जो पूरा नीचे वाला रीजन है ये वाला किस रीजन के अंदर आता है ये आता है रेड एंड येलो सॉइल में और ऊपर वाला ये जो नॉर्थ साइड है ये पूरी पूरी जम्मू कश्मीर की साइड वाली ये कौन से है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस क्योंकि इधर क्या है सारे पहाड़ है तो इस तरीके से आप इसे

है हमारा भागीरथी नदी के ऊपर है ये कौन सा स्टेट है ये है आपका यूके स्टेट है फिर उसके में आता है, राजस्थान के एक एक मतलब राणा प्रताप सागर जो कौन सी नदी के चंबल तो भाई राजस्थान में भी नदी बहती है ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो तो क्या होगा बहुत बड़े बड़े रेत के ढहर होंगे बहुत ज्यादा तेज आंधी और चल होंगे ऐसा कुछ नहीं होता वो एक हिस्सा

में फिर आता है तुंगद्रा नदी जो कि उसका नाम भी यही है और उसी नाम के के नाम ऊपर ही डैम है जो कि कहां पर है वो है कर्नाटक में ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए तो क्या करना है मैं आपको एक मैप दे देता हूं जैसे कि एक मैप आपको दे दे देता हूं जिससे स्क्रीनशॉट लेना ले ले और उसको याद रख लेना कि कौन सा स्टेट कहां पर आई थिंक ये रहा ठीक है ये रहा ठीक है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट है कहां पर है तो ये आप इससे याद रख सकते हो फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो कि हमारे मेजर सॉइल टाइप है तो इसमें क्या बात ध्यान रखनी है सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने की जो ऊपर वाला वाला इधर वाला रीजन है यहां पर क्या है भाई पहाड़ है तो पहाड़ को हम लोग बोलते हैं माउंटेन्स तो यहां पर कौन सी सा मिलेगी माउंटेनियस मिलेगी तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस मिलेगी हमें नॉर्थ साइड में फिर उसके बाद में नीचे आते हैं तो डेजर्ट जो है जो मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एरिड सॉइल है आप

जैसे कि पिछली बार आया था सॉफ्टवेयर तो मुंबई हो गया हैदराबाद हो गया बेंगलोर हो गया, गया चेन्नई हो गया ये तो सारी जो सिटीज है जिनके नाम सुने आपने वही तो जहां पर के मेजर टेक्नोलॉजी है वही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो इस समय ज्यादा स्ट्रेस दो सिंपल तीन चार बार इस वीडियो को पहले तो लाइक कर लो लू सेव हो जाए फिर उसके बाद में एग्जाम से पहले एक बार फिर से देख लो फिर उसके बाद एक बार फिर से देख लो दिन में तीन बार अगर आपने देख लिया तो आपको ये सारे सारे पार्क वगैरह सब याद हो जाए so, अभी जो हमने पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जो पेपर है ये 2023 में है तो, तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप छोड़ दोगे तो चलिए देखते हैं हम तो देखो ये इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो पीजेंट्स के इंडिगो पीजेंट्स के लिए

आपको बताया था भागीरथी नदी के ऊपर दिया गया है नरूरा पावर स्टेशन जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं कहां है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी हम लोग देख चुके तो भाई ये सारे के सारे से आएंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे जाएंगे भी ट्वेंटी का है तो इसे भी आप लोग एक बार देख लेना और और वीडियो के लाइक एंड सब्सक्राइब एंड उसी के साथ आपको हिस्ट्री और जोग्राफी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पर क्लिक करके आप देख सकते हो इसे नेक्स्ट के अंदर हम लोग फुल सिलेबस रिविजन करने वाले